हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक केमिकल कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस केमिकल कंपनी का फ्रेंड जो मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है भाई, जिसमें आप लोग पैसा लगा सकते हो। ये जो फ्रेंड कंपनी है वो कई तरह के इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाती है, जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, होम केयर, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल, पेपर, ग्लास, फुटवेयर, प्लास्टिक, फ्यूल, पैकेजिंग, पेंट एंड इंक, और भी कई तरह के इंडस्ट्री के लिए इनके पास प्रोडक्ट है। तो भैया, आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाएं, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ एन रिजल्ट देख लेता हूं। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता कीजिए, सर्विसेज के बारे में पता कीजिए। अगर उस कंपनी का धंधा अच्छा होगा, बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है भाई, तो ही फ्रेंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 1359.85 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 2020.33 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल्स है भाई हाफ ईयरली। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 1386.12 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 2019.61 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, 1386 से 2019 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 210.19 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 404.22 हो चुका है। तो देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 210 से 404 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो एबिटा था वो 236.46 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 403.50 हो चुका है। तो भाई, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 122.44 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 225.43 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 122 से 225 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो पैट था वो 122.44 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 225.43 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ। पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे, तो देखो भाई, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 2555.65 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 3915.81 हो चुका है। तो भैया, बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल्स है ईयर टू ईयर वाइज। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 2570.96 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 3947.17 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ये फिर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 375.72 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 736.19 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है,
375 से 736 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 391.03 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 767.55 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है एबिटा भी, तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर का शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 217.12 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 428.64 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 217 से 428 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 217.42 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 428.64 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैट भी। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, ये भी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 73.30 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 144.42 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है, 73 से 144 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, आपको ये बहुत ही तेजी के साथ रिटर्न बना के दे सकता है और आपका इसमें पैसा भी सेफ रहेगा। अतुल लिमिटेड का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। पहले फ्रेंड मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 2700 रुपए से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ, और भैया अभी ये स्टॉक 4100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अतुल लिमिटेड का आपको मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में गया, तो मैं बाय इंडस्ट्री यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ भाई। तो मैं यहाँ पे ए टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, एनुअल फीड्स, एग्रीकल्चर, होम केयर, पेपर, ग्लास, ऑटो, मोबाइल, कारपेट, केमिकल, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, फ्यूल एडिटिव्स, लेदर पैकेजिंग, पेंट एंड कोटिंग, प्लास्टिक, स्टोन केयर, और भी कई तरह के इंडस्ट्री के लिए इनके पास प्रोडक्ट है, जैसे टायर, फ्लावर्स, फूड। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई, आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अतुल लिमिटेड अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया भाई, और आगे भी देगा। तो देखो भाई 10 साल में रिटर्न है वो 6511.26% रिटर्न है, तो बहुत अच्छा भाई रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 सालों में। सेंसो का रिटर्न है वो 158.91% रिटर्न है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 118.26% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 49.46% रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में रिटर्न है 50.93% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 10.82% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में रिटर्न है 18.91% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 9.38% रिटर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 18% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में रिटर्न है 11.74% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 5.72% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है 1.23% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है -0.41% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में रिटर्न है -0.50% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है -0.73% रिटर्न है। अतुल लिमिटेड का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ भाई। तो देखो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 44.7% होल्डिंग है, एफआईएस का जो होल्डिंग है अतुल लिमिटेड में 6.61% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है अतुल लिमिटेड में 21.99% होल्डिंग है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.73% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन वेटर के पास जो होल्डिंग है 25.97% होल्डिंग है, प्लेज प्रमोटर जो होल्डिंग है वो 5.66% होल्डिंग है भाई। वैल्यूएशन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अतुल लिमिटेड का पी रेशियो है, अतुल लिमिटेड का वो 28.23 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है अतुल लिमिटेड का वो 4.57 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड जो है अतुल लिमिटेड का वो 0.29% का है, आरओसी लेटेस्ट देख लो भाई बहुत ही बढ़िया है 25.24% का है, आरओई देख लो 16.18% का है,
तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे दे सकते हो, एक्सपेंसिव बता रहा है। अतुल लिमिटेड का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 533 से 2256 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो 4000 का प्राइस पे खरीद सकते हो। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ अतुल लिमिटेड का, तो देख लो भाई गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 10.61% का है। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 16.19% का है। भाई यहाँ पे भी आप देख सकते हो अतुल लिमिटेड ने किस टाइप का रिटर्न बना के दिया है, तो देख लो भाई 10 साल में टर्न है वो 6548% टर्न है, 5 साल में 373% टर्न है, 3 साल में 119% टर्न है, 1 ईयर में 51% टर्न है, ईयर टू डेट में 19% टर्न है, 1 मंथ में 12% टर्न है, 1 वीक में 1% टर्न है। तो देख सकते हो भाई ये कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देती है, तो आप लोग भी इस कंपनी में पैसा लगाइए अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो। अतुल लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 4160 रुपया, 52 वीक लो है 2600 रुपया। सेंटीमीटर की बात करूं तो 50% बराबर है बाई कीजिए, 50% बराबर है सेल कीजिए। अतुल लिमिटेड का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है अतुल लिमिटेड का वो 28.39 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 17.45 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले अतुल लिमिटेड का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है अतुल लिमिटेड का वो 893.25 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया इसका अर्निंग पर शेयर है, 144.51 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 10 का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।